तो आपको बता दूं मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि एमए किए हुए हैं। 40 दिन में फल गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं खीरे के खेत में। जो खीरा है ना, ये आप लोग देख रहे होंगे अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा डिमांड आती है इसकी। और ये खीरा हाइब्रिड है, बहुत कम समय में तैयार होने वाला फसल है और इससे एक बहुत अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं जो हमारे साथ में फार्मर जुड़ने वाले हैं। हम लोग कुछ जानकारी लेंगे उनसे और देखते हैं क्या चीज़ें सामने निकल करके आती है। अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे की बात इसमें होने वाली है। दोस्तों हमारे साथ में हैं लल्लू प्रताप सिंह जी और ये खेती कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्यों खेती में आए और क्यों इनको इंटरेस्ट आया खेती करने में। और जो ये लगाए हैं, करीब कितने एकड़ में आपने लगाया होगा? लगभग तो अभी यहाँ पे 3 एकड़ में लगा है। खीरा अच्छा, 3 एकड़ में इन्होंने खीरा लगाया। और इससे बहुत पहले आपने लगाया, लगभग कितने तारीख के आसपास लगाया होगा? मैं 8 फरवरी को लगाया हूँ। और आज जो है वो लगभग 20 मार्च के आसपास का समय है, मतलब बहुत जल्दी ये तैयार भी हो गया। 20 मार्च को हार्वेस्टिंग किया आज सुबह। आज पहली बार हार्वेस्टिंग भी किया इन्होंने। तो मुझे बताइए ना थोड़ा सा कि आप ये जानकारी दीजिए कि आपको खेती में इंटरेस्ट कब से आया और क्यों आया? खेती में यानी मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, पढ़ाई उढ़ाई नौकरी उकरी ढूंढा लेकिन मेरे को मिला नहीं, तो फिर मैं सोचा कि अब खेतीबाड़ी से ही गुजरेगा काम। बिल्कुल, और बहुत बड़े पैमाने पे खेती भी कर रहे हैं आप, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना। तो 3 एकड़ में खीरा लगाना बहुत आम बात नहीं है। तो आपको बता दूं मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि एमए किए हुए हैं। और इन्होंने नौकरी की तलाश की पहले और उसके बाद में इनको लगा कि खेती में भी बहुत अच्छा इनकम किया जा सकता है। मैं सही हूँ? हाँ, एकदम सही है। तो ये पिछले 2 सालों से ये खेती कर रहे हैं और मैं जो देख रहा हूँ ये एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल फार्मर है। तो मुझे बताइए ना थोड़ा सा आपको कि जैसे आपने किया है एमए, लेकिन आपको तो दवाई के बारे में कौन जानकारी, कहाँ से जानकारी मिलती है या करते करते आप सीख गए? नहीं, हम लोग किसी किसी से सीखते भी हैं जी, जानकारी भी लेते हैं और भैया लोग हैं किसान, उन लोग से। अच्छा, इन्होंने लगाया है 3 एकड़ में खीरा। तो आप जो 3 एकड़ में खीरा लगाए, तो लगभग आपको क्या लागत लगी होगी वो बताइए मुझे जरा। लगभग 1.5 से 2 लाख लगा होगा। ये आपने कहीं से घर के पैसे लगाए? हाँ, घर के पैसे लगाए जी। और आपने ये 40 दिन में आपने बताया कि हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। हाँ हाँ, तो एक खीरा एक इतना अच्छा फसल है कि बहुत कम समय में, मुझे लगता है इससे पहले कोई फसल नहीं तैयार होता होगा। नहीं होता है, इससे पहले कोई फसल तैयार होता ही नहीं है जी, खीरा से पहले कोई फसल तैयार नहीं होता। और जैसे प्याज का रेट ऊँचा होता है ना, ये मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि प्याज का रेट अगर ऊँचा है तो खीरे के भी भाव बहुत अच्छे मिल जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि हर ढाबे में खीरा इस्तेमाल होता है जी। तो आपने बहुत अच्छा खेती किया मानना पड़ेगा कि इतना पढ़ लिख करके आप खेतीबाड़ी में आए। और आजकल एक ट्रेंड चला भी है कि लोग एजुकेटेड लोग आ रहे हैं खेतीबाड़ी में। लल्लू राम जी, लल्लू प्रताप जी, मुझे ये बताइए जी, जो आपने ये खीरा लगाया इसकी वैरायटी के बारे में बताएंगे मुझे? मैं अभी 3 प्रकार का खीरा लगाया हूँ। एक तो आलमगिरी 280 लगाया हूँ जी, और चित्रा लगाया हूँ और क्रिस लगाए हैं। तो तीनों साथ में लगाए? हाँ, तीनों साथ में। तो सबसे पहले फ्रूटिंग किसकी हुई? सबसे पहले क्रिस का हुआ। ये जो हम लोग जिस खेत पे खड़े हैं, ये क्रिस है, ये बीएनआर का, बीएनआर कंपनी का क्रिस, उसका प्रोडक्ट का नाम है जी जी। और जो आपने लागत लगाया वो करीब 1.5 लाख रुपए लगा जी। उम्मीद कितना कर रहे हैं आप, अगर आप बताना चाहें? अगर बढ़िया रेट अगर रहेगा तो 3 लाख 4.5 लाख आसपास, 3 से 4.5 के बीच में। अभी का जो रेट है वो शायद 15 रुपये है। 15 रुपये आज का हार्वेस्टिंग में, थोक में ना जी जी। थोड़ा सा और जानकारी दीजिए, इसमें इसके पत्ते में एक सिकुड़न आती है जी, वो आपने झेला या आपको नहीं आया वो इश्यू, प्रॉब्लम नहीं आया? मेरे को तो नहीं आया वो बीमारी, नहीं आया। और एक होता है जो पत्ते में सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कुछ जैसे लगता है कुछ सांप वाप टाइप का, जो लिप माइनर, लिप माइनर। एक बात करने वाले हैं, जो लिप माइनर होती है ना, वो ऐसे एक पत्ते में आपको लाइनिंग लाइनिंग दिखेगी। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, बीच में आप वो देख पाएंगे। ये इसके अंदर में एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं और ये पत्ते को बिल्कुल वाइट कलर में आपको दिख रहा होगा, और इधर देखेंगे तो पूरी की पूरी ग्रीन है, इधर से पता भी नहीं चलना आपको। तो ये सारी चीज़ें इस पे आती है खीरे में। मुझे बताइए कि जो आप खाद इस्तेमाल किए जी, ये आपका पर्सनल चीज़ हो सकता है, आप चाहें तो बताएं जी, कि खाद कौन कौन सा आपने इस्तेमाल किया इसमें? सबसे फर्स्ट 4 पत्ता हुआ, इसके बाद मैं 19 चलाया। हाँ,
4 दिन चलाया। इसके बाद मैं फिर पराक्सेट स्टार्ट किया, उसको भी 4 दिन चलाया। अच्छा, 8 दिन ये ड्रिप पे चलाए आप? ड्रिप में ही चलाया, ड्रिप में बेसल बना करके जी, और ड्रिप पे डाल देते हैं जी। अच्छा, और कोई खाद आपने इस्तेमाल किया इसमें? जी किया जी, बताया। अभी फलना स्टार्ट हुआ तो मैं इसमें 0-52-34 चलाया और फिर 13-0-45 चलाया। तो इसमें फलने के लिए भी कोई दवाई आता है क्या कि जिससे फलन अच्छा हो, जैसे फूल रुके, फूल झड़े ना, ऐसा कुछ भी होता है क्या दवाई? नहीं, जो फल जाता है वो यानी कि वो रुक जाता है, वो रुक जाता है, झड़ता नहीं है खाद चलाने से। बिल्कुल, मतलब खाद चला देंगे तो फूल झड़ेगा नहीं जी। और आपने पहली बार हार्वेस्टिंग किया, वो कितने एकड़ में आपने हार्वेस्टिंग किया आज? मैं आज एक ही एकड़ में हार्वेस्टिंग किया। लगभग कितना फसल निकला होगा आज आपका? फर्स्ट बार था तो थोड़ा कम निकला, यानी कि 1.5-2 क्विंटल निकला है। अच्छा, अब ये बढ़ता जाएगा जी। और जो फसल है वो बहुत अच्छे कंडीशन में है, ऐसा बोला जा सकता है? जी, बहुत अच्छे कंडीशन में है जी। और हम लोग ये देख रहे हैं धागे लगे हुए हैं, जैसे यहाँ से हम लोग पूरे में ये धागा लगा हुआ है, इस पे बांस लगे हुए हैं, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि खीरा तो कहीं भी उग सकता था जी, तो इसकी क्या ज़रूरत है वो बता दीजिए। ये धागा लगाने से खीरा साइज का होता है, सीधा होता है और सब साइड का कलर एक ही बराबर रहता है, यानी कि जो अभी फल होने वाला है वो इस पे लटक जाएगा जी। जैसा हम लोग देख रहे हैं नीचे में पड़े हुए हैं फल, उसमें कलर डिफरेंस हो जाता है, नीचे वाला सफेद सफेद होने लगता है जी जी। अच्छा, उसके लिए ये धागे लगा। इसकी हाइट कितनी है बांस की? बांस की हाइट 7 फीट है, लेकिन 6 फीट में बांधा हुआ है, 5 फीट में। इसका भी कोई टेक्निकल कारण है या बस ऐसे ही आप लोग बांध दिए कि? नहीं, हम लोग इसको ऐसे ही बांध दिए हैं। अच्छा, तो इसमें धागे देखेंगे जो जिगजैग में बंधे हुए हैं जी, और इस पे पौधे खुद ही खुद चढ़ जाता है जी, खुद चढ़ जाता है, और जो फ्रूटिंग होगी अब वो दोनों साइड में होने वाली है जी। मुझे बताइए जरा कि इसमें जो फ्रूटिंग है जी जी, सभी में हम देख रहे हैं कि पीले पीले रंग के फूल हैं, लेकिन जहाँ जैसे ही फल हो गया उसमें ये फूल जो है ये सफ़ेद हो गया, इसका कारण ये धूप से सफ़ेद हो गया या हो ही जाता है? नहीं, धीरे धीरे ये बढ़ता है, जैसे जैसे फल बढ़ते जाता है वैसे ही इसका फूल भी सफ़ेद हो जाता है। अच्छा, और हम लोग आगे चले तो लगभग इसकी जो हाइट है अभी पौधे की वो कितनी होगी? 3.5 से 3 फीट है। हाँ, और ये अभी फलन चालू हो गया, फ्रूटिंग चालू हो गया इसकी जी। तो ये कब तक चलेगा, इसका जो आप अनुमान एक लगाए होंगे? ये फलने से स्टार्ट होने के बाद ये 1 से 1.5 महीने तक चलता है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो इसमें आप फिर दोबारा कुछ लगाने वाले हैं कि इसको फिर हटाएंगे? ये जो हम लोग धागे देख रहे हैं पूरे खेत में, तो इस धागों को आप रखेंगे, कुछ और लगाने वाले हैं? इसको बस इसका नार को काट देंगे, मर जाएगा, इसके बाद इसमें पूरा लौकी लगाएंगे। इसी में, इसी मल्चिंग और इसी ड्रिप में? हाँ, इसी ड्रिप इसी मल्चिंग में पूरा लौकी लगेगा। लौकी लगेगा, लौकी या तो बरबट्टी। अच्छा, आप दोनों दोनों लगा सकते हैं इसमें? हाँ, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं जी। जैसे इसके अंदर में ड्रिप लगा हुआ है जी, हमें दिख नहीं रहा है, मल्चिंग दिख रही है बस, तो मल्चिंग का जो माइक्रोन है वो बताइए, और ड्रिप कहाँ पे लगी हुई है वो थोड़ा सा बता दीजिए। ड्रिप इसका बीचों बीच में है यहाँ पे, जैसे हम लोग देख सकते हैं क्या इसके जड़ में? जी, ड्रिप यहाँ है, यहाँ पे पानी चू रहा है। अच्छा, यहाँ जो पानी है ये बूंद बूंद करके गिर रहा है, हर पौधे को मिलना मिल रही है ना जी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जी, ये बूंद बूंद करके, जितनी इसको ज़रूरत है उतने देर तक आप इस पे चलाएंगे जी। अभी इसमें खाद भी चल रहा है क्या कोई? हाँ, खाद चल रहा है। कौन सा खाद? अभी इसमें 0-52-34 चल रहा है। अच्छा जी, और ये जो मल्चिंग है प्लास्टिक जी, इसका क्या माइक्रोन है? इसको आप दो बार अगर यूज़ करते हैं तो कितने माइक्रोन का ये होना चाहिए? ये 20 माइक्रोन का है। अच्छा, ये 20 माइक्रोन का है, या तो 25 माइक्रोन का भी लगा सकते हैं। 25 का लगाएंगे तो आप दो फसल बहुत आसानी से ले सकते हैं जी जी। मुझे ये बताइए, खीरा के बारे में आपको कितनी नॉलेज थी कि खीरा इतना जल्दी उग सकता है, मतलब इतना जल्दी फ्रूटिंग हो सकती है? मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसमें लगाने से किसी किसान से पूछा था तो 30-40 दिन में खीरा फल जाता है, इतना पता था बस। और आपने ये पहली बार ट्राई किया? नहीं, दूसरा बार। दूसरी बार इन्होंने ट्राई किया और बहुत अच्छा फसल लिए हैं इन्होंने। जैसे हम लोग देख रहे हैं पीछे में भी पूरे जगह पे खीरा है। खीरे के साथ में एक बेनिफिट ये है कि बहुत कम समय में ये रेडी हो जाता है। इनका कहना है कि 40 दिन में इन्होंने हार्वेस्टिंग ले लिया है, और वैरायटी और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है बीज की, कि कौन सा बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको और कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हम उसको कवर कर सकें अगले वीडियो में। और हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, और इनसे हमने बात कर ली, इनके कमाई की, इनके लागत की, तो लगभग सारी डिटेल हमने कर लिया।
खीरा एक बहुत अच्छा फसल साबित हो सकता है, जिनके पास भी अच्छे खेत हैं वो कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ये भी बताते रहिए। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।